हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कृष्ण प्राव ब्लॉग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास करेंसी कलेक्शन दिखाऊंगा मैं आपको। आज का ये रहा मेरा करेंसी कलेक्शन। आप देख सकते हैं पहली नोट हमारे हाथ लगी है ₹100, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और एस वेंकटेमन गवर्नर है। और ये देख सकते हैं कितनी पुरानी नोट है। ऐसी हमारे पास तीन नोटे हैं, आपको दिखाने वाला हूं नोट, देख सकते हैं। और अब दूसरी बात, दूसरा नोट है हमारे पास ₹50 का नोट है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, इंडिया का ही है और ₹50 का नोट है। इसमें देखिए पीछे का कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड है और आगे से कुछ इस तरीके से दिखती है। ऐसी हमारे पास टोटल दो है नोट, देख सकते बिल्कुल अच्छी हालत में। तीसरा नोट है हमारे पास ₹20 का, भारतीय रिजर्व बैंक वाला नोट ₹20, और इसमें गवर्नर है राणा मल्होत्रा। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बना हुआ है, कुछ व्हील पहिया जैसा लग रहा है। अगली नोट है हमारे पास ₹10 की नोट, देख सकते हैं आप ये बहुत पुरानी है और इसके पीछे खूबसूरत एक दृश्य बना हुआ है, देख सकते हैं आप, और मोर दिख रहा है हमें और वृक्ष पर बैठे हुए। और ये नोट में है घोड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं, और विविध प्राणी दिख रहे हैं मुझे। ये है हरण और ये साबर जैसा कुछ लग रहा है, देख सकते हैं आप। कुछ मुझे तो सबसे अच्छा ये नोट लगता है और ये गुलाब जैसा कुछ फूल नजर आ रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ पर राष्ट्र मुद्रा है हमारे इंडिया की, देख सकते हैं, ₹10 है। और आगे देखते हैं, अब कुछ हमारे पास है कुछ सिक्के जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये कुछ सिक्के हैं और एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहला सिक्का हाथ लगा है हमारे, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये सिक्का है, इंडियन रुपीस है, इंडियन। अब देख सकते हैं 1939 के साल का ये सिक्का है, ₹1 इंडिया लिखा हुआ है और कुछ सुपर डिजाइन की हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी आप आवाज सुनिए, ब्रास पित्तल बोलते हैं ना इसे, पित्तल के जैसा लग रहा है मुझे। हेलो गाइस, आपने देख लिए नोटे पुरानी और अब देखेंगे हम सिक्के। तो ये रहे हमारे पास इस तरीके के सिक्के हैं, देख सकते हैं, जिसको मैं बाहर पहला सिक्का ये है, आप पहले देख लीजिए। कुछ इस तरीके का ये सिक्का है और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है जानकी मंदिर नेपाल ₹2। ये सिक्का नेपाल का है और उसमें ₹2 लिखा हुआ है। फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, और देख सकते हैं आप इसमें कुछ श्री यंत्र की छटाई की गई हुई है और उसमें श्री श्री वीर जानेंद्र विक्रम देव शाह जैसा कुछ लिखा हुआ है, देख। और मैं आपको उसका बैक साइड दिखाने वाला हूँ, ये कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं। इसमें जानकी मंदिर नेपाल ₹2 लिखा हुआ है और मंदिर मेरे ख्याल से ये मंदिर है जो दौड़ा हुआ है। कुछ ऐसे ही हमारे पास ऐसे पांच सिक्के हैं, इसको रख देते हैं साइड में और देख सकते हैं आप। ये कुछ रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक का ₹5 वाला सिक्का है, देख सकते हैं आप।
उसकी बैक साइड हम दिखा देते हैं। देखिए ये बहुत हाल ही में, बहुत पुराना नहीं है लेकिन ये अच्छा वाला है। इसमें कुछ मेरे ख्याल से टाइगर दौरा हुआ है और ये रिजर्व बैंक का। हेलो गाइस, हमारे पास और भी भारत के कुछ सिक्के हैं, देख सकते हैं आप। ये 20 पैसे वाला सिक्का है, 20 पैसे लिखा हुआ है, 1971 की साल का सिक्का है। इसमें कमल, बीजेपी का कमल दौरा हुआ है, देख सकते हैं। और इसके पीछे राष्ट्रीय मुद्रा आलेखन हुआ है। और यह है 5 रुपए का सिक्का, जिसकी बैक साइड में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए इसमें भी राष्ट्र मुद्रा का आलेखन किया हुआ है। हाल ही में ये नया ही सिक्का है, पर मैं सोचता कि आपको दिखा देता हूँ। और यह है 2 रुपए का सिक्का और इसमें 2 रुपए लिखा हुआ है। और ये भारतीय मुद्रा, देख सकते हैं आप, भारतीय मुद्रा। और आपको दिखाने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट द इंडियन करेंसी, 1 रुपीस इंडिया, देख सकते हैं आप। ये कुछ इस तरीके का एक पुराना सिक्का बनाया हुआ है जो है पीतल का, ब्रास बोलते हैं उसको, ब्रास का बना हुआ है पूरा और पुराना सिक्का है, देख सकते हैं आप। इसमें कुछ उस टाइम के राजा का चित्र दौरा हुआ लगता है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, आराम से पढ़ सकते हैं। ये पीतल का बना हुआ है और ये वन ऑफ द बेस्ट सिक्का, मेरे सबसे पसंदीदा सिक्कों में से ये एक है। तो इसको रख देते साइड में। अगर ये सिक्का पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, हमारे पास कुछ इस तरीके का सिक्का है। ये 10 रुपये 10 पैसे वाले बन के थे नहीं। और हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक का है सुब्रमण्यम जी का सिक्का, देख सकते हैं आप। उसके जन्मतिथि के टाइम पर जो बाहर पड़ा हुआ होता है वो सिक्का है, देख सकते हैं आप। और देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इंदिरा गांधी वाला सिक्का, ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, देख सकते हैं आप। इंदिरा गांधी सन 1917 लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसकी बैक साइड में आपको दिखाने वाला हूँ, बैक साइड में राष्ट्रीय मुद्रा है और ये 5 रुपए का सिक्का है। कितना बड़ा है सोचो, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है। और गाइस, हमारे पास है महालक्ष्मी माँ का एक प्यारा सा सिक्का दिख रहा है आपको, जिसमें गणेश जी और महालक्ष्मी जी आपको दिख रहे हैं। ये भी कुछ ब्रास और मेटल का बना हुआ लगता है, देख सकते हैं आप। और इसके बैक साइड में आपको दिखाने वाला, इसमें श्री लिखा हुआ है, यानी ये पूजन के लिए उपयोग में आता है, देख सकते हैं आप, बढ़िया सिक्का है। और गाइस, हमारे पास है लेटेस्ट रुपया 10 रुपए का सिक्का, जो इंडिया में कभी कभी चलता है और कभी कभी रुक भी जाता है, और इसके वजह से हमें कुछ दिक्कतें भी हुई है। और गाइस, हमारे पास है कुछ इस तरीके का रुपया के 10वां भाग, यानी कि 10 पैसे का सिक्का, देख सकते हैं आप। 1968 में बना हुआ है और ये भारतीय रिजर्व बैंक से मुद्रित किया है। आप कमेंट में लिखिए यह सिक्का किसने यूज किया है, इसका क्या क्या आता था, हमें कमेंट कीजिए और बताइए। और अगला सिक्का हम देखने वाले हैं कुछ ये, इसमें कुछ अच्छा सा दिख नहीं रहा पर लगता है 2 पैसे का यह सिक्का है और 1963 का ये लग रहा है, देख सकते हैं आप सिक्का। और गाइस, हमारे पास अब केवल 3 ही सिक्के बचे हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये 3 सिक्के हैं दुबई करेंसी के सिक्के हैं, 3 देख सकते हैं। दुबई लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती, पर आप खुद देख सकते हैं 3 सिक्के कैसे हैं, और बारी बारी में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला सिक्का, इसकी बैक साइड में आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दुबई का कुछ टावर जैसा कुछ लग रहा है, इमारतें बनी हुई है, देख सकते हैं। और अब दूसरा सिक्का, ये सिक्का आप देख सकते हैं दुबई लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे चवन्नी जैसा लग रहा है, देख सकते हैं। और इसकी बैक साइड दिखा देता हूँ, ठीक है। और देख सकते हैं बैक साइड में कुछ प्राणी, साबर
और हरण जैसा कुछ लग रहा है, देखिए। और तीसरा सिक्का हमारे पास कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं, वो थोड़ा पुराना लग रहा है। और इसकी बैक साइड भी आपको मैं दिखाई देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक सिक्का है। तो गाइस ये थे कुछ पुराने सिक्के और नोटे आपने देख ली, और इसमें से आपने कौन कौन से सिक्के देखे हैं और यूज किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।